ठीक है। और ये संसद इंडिया छोड़िए, ये सब बनाए हैं इंडिया, जितना बनाया है, जितना जो भी बनाया है, जो भी पार्टी है इंडिया में, सब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। वही कुछ जो दलाली इधर आया इधर गया जाता है। राजनीतिक नेता का क्या भविष्य रह गया है आपके नजर में? है मीडिया सही में रह गया है क्या? मीडिया का कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है ये सरकार, कुछ नहीं समझता है वो, इससे चलता है। अरे सोशल मीडिया का दिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ तब सरकार के आंखों में जुम चुली है और तब गया है मणिपुर। मैं ये कह रहा हूं जो भारत सरकार को ये नजरअंदाज करते हुए कैसे दिमाग चल गया, जो 3 महीना से इतना बड़ा घटना होने के बावजूद आज तक ये सोशल मीडिया जब आया तब ये अपना रूप में आया और तब वहां से कार्रवाई, प्रधानमंत्री जी बोले तो ऐसे घटना होते रहेगा। प्रधानमंत्री जी आके मंच पे 5 गो दल्ले मीडिया के सामने ऐसे कल जोड़ लेंगे जो बस बस ठीक है बस। और आप बताइए, पार्टी की बात नहीं है यहाँ, ये देश जो है मणिपुर जल रहा है और बांसुरी बज रही है, राजा बांसुरी बजा रहा है, अब कहाँ लोकतंत्र बचा है? तो राजतंत्र तानाशाही में बदल चुका है, ये राजतंत्र है कि मणिपुर जल रहा है। कांग्रेस पार्टी कहाँ बदल चुकी है? कहीं कांग्रेस कहीं नहीं बदली हुई है। कांग्रेस तो इस देश में अगर कोई जन जन में कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कितने विधायक है वहाँ आपके यहाँ यूपी में? यूपी में 2 विधायक है, एमपी एक है, जन जन। अरे तो जन जन में है, देखिए संख्या बल तो वोटों के परसेंटेज, धार्मिक लड़ाई यार, चुनाव आप एक बात नेताजी नेता आदमी है, चुनाव ही एकमात्र पैमाना है जन जन का ना? बिल्कुल है, लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं से कमजोर पड़े हैं, लेकिन अब नहीं कमजोर है, अब हम खड़े हो रहे हैं, कमजोर नहीं है। गठबंधन हो पाएगा इंडिया का? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा गठबंधन। और हम 24 में हराएंगे। कांग्रेस पार्टी में आप रही गए कि? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। वो है ना कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही तो हो रहा है। मणिपुर की जब बात आती है तो आप कहिए कि नहीं बंगाल, अरे बंगाल चुनावी हिंसा था, कहीं चुनाव तो चुनावी है, पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा होता है कहीं? हो जाता। और ये पश्चिम बंगाल की सरकार के माथे पर कलंक है अगर इस तरह, सुनिए, इस तरह चुनाव में हिंसा हो करके किसी को गद्दी मिल जाए। और ये मैं वो नहीं, ना ना ना, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा राज्य सरकार के माथे पर कलंक है, उसकी असफलता है। अगर किसी भी राज्य में इस तरह की हिंसा के बाद चुनाव हो और चुनावी जीत मिले तो उस पर शर्म आनी चाहिए। हिंसा पे, हिंसा का कहीं भी कोई समर्थन नहीं करेगा, हिंसा हिंसा होता है। अब बात ठीक है, आप भी कुछ बताओ। लेकिन विधायक जी बोले ये काफी है। अरे आप कहाँ से? मैं भी आजमगढ़ से हूँ। किस पार्टी के? मैं पार्टी का नहीं हूँ, मैं वकील साहब हूँ सुप्रीम कोर्ट में। वकीलों के बीच में वकील साहब क्या चर्चा चल रही है 2024 को लेके? अब चर्चा विधायक जी जो कहेंगे, नेताजी हम लोग तो वकालत यही हमारे जो कुछ बोलेंगे इन्हीं से पूछ। आपका नाम विधायक जी? अरे हम चुनाव विधानसभा की तैयारी में, तो विधायक जी लोग नहीं कहते हैं क्षेत्र में? ऐसा नहीं, विधायक नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ प्रयासरत तो भाई नेता है तो चुनाव अपनी तरफ डाल देते हैं पहले ही। हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहा हूँ। अरे मैं जानता हूँ, बनारस हिंद दयालु गुरु देखिए मंत्री होते हैं, उसको पहले राजेश मिश्रा थे, भरत सिंह थे, मनोज सिन्हा थे, एक भरत सिंह मनोज सिन्हा एक से एक बीएचयू से नेता निकले। आपका शो पसंद करते हैं, आपका दूसरा इमेज है देश के जनता के बीच। नहीं नहीं वो नहीं, एक इमेज अलग है, अपनी अपनी पसंद है सबकी, उससे हमारा कोई लेना लादना नहीं है। चाय बाद में पियेंगे, खिसकिए भाई साहब, चाय पर चर्चा हम करने के लिए आते हैं। आपको याद ही कर रहे थे, याद कर रहे थे, मैंने बोला अभी आने वाले हैं वो, पूछो। दिल्ली में रहता हूँ तो इधर ही, आपको याद क्या हो रहा है? दिल्ली में रहता हूँ तो इधर आता हूँ लोगों का राय मशवरा लेने, देखता रहता हूँ आपको। चाय पिलाइए भाई साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपका नाम भी अगर मैं YouTube खोलूंगा तो आप ऊपर ही चल रहे हो। अरे भाई साहब बहुत शुक्रिया, आप ही डाउनलोड कर लेता हूँ, प्लेन में होता हूँ तो भी मैं आप ही को सुनता हूँ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही जैसे लोगों की वजह से तो हमारा खून बढ़ जाता है, तबीयत भी खराब रहती है तब भी हम माहौल क्या करते रहते हैं। तो आपका नाम क्या है? दीपक, दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। तो आपका बिजनेस पिछले 10 सालों में उतार पर है कि चढ़ाव पर है? उतार पर भी है, चढ़ाव पर भी है, दोनों ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग
इस तरह के भी हैं कि लोग कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में खाई हो गई है, जो बीच के बिजनेसमैन थे उनको जीएसटी, नोटबंदी और सरकार की तमाम योजनाओं की वजह से नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग ये हैं जो कहते हैं कि नहीं, स्टार्टअप और सरकार की बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार की प्रक्रिया थी उससे नए लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े, उनका बिजनेस बढ़ा है। दो तरह के व्यूज पॉइंट है, आपका क्या मानना है? चीज़ें बहुत ख़राब थी और अब सुधर रही हैं, समय तो लगेगा। जो चीज़ें 70 साल से ख़राब थी, अब 10 साल में 3 साल तो कोरोना ही खा गया, तो 7 साल में मोदी जी जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। और जो महंगाई की बात है, महंगाई तो अब आप देखो ना कि प्रॉपर्टी के दाम भी तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें लोग नहीं बोलते, और इन चीज़ों में तो जो प्रॉपर्टी के दाम जितना 2003-04 से लेके 14 तक बढ़े थे, 14 से लेके 24 के बीच में तो नहीं बढ़े। समय लगेगा ना सर, हर चीज़ को ठीक होने में समय लगेगा। कहीं कहीं तो कमी हो गए को आप 7 साल में आप नापोगे तो सर टाइम तो लगेगा। देखिए लेकिन 9 साल भी कम समय नहीं होता। नहीं, दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि 70 साल 70 साल, तो आज देश में जो 25 साल का लड़का है मान लीजिए, तो 25 साल का लड़के से अगर आप कहेंगे या 30 साल का, 30 साल के लड़के के लिए तो 15 साल बीजेपी की सरकार, 15 साल कांग्रेस की सरकार, 10 साल अगर जो 1995 से 1993 से जोड़ेंगे आप 23 तक, तो इस 23 सालों में 13-13.5 साल कांग्रेस की सरकार, 2 साल इधर उधर और बाकी सब 15 साल बीजेपी की सरकार। अगर 25 साल जोड़ेंगे तो इसमें 15 साल बीजेपी की सरकार है, 10 साल कांग्रेस की सरकार है। तो इसमें अच्छा के लिए भी कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं और बुरे के लिए भी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्यादा तो बीजेपी ने शासन किया 25 सालों में। माइनस प्लस तो सब में ही रहेगा, कांग्रेस के शासन में भी था और बीजेपी के शासन में भी है। पर अभी तो देखो हिंदुत्व को तो संभाला तो मोदी नहीं है, ये मेन मुद्दा आ गया। और हम मोदी भक्त हैं और देवबंद के रहने वाले हम, तो आप हमसे अगर मोदी के अगेंस्ट कुछ करवाओगे तो वो तो होगा नहीं। मैं क्यों करवाऊं? तो एक बात सुनिए, हम जो झेले हैं देवबंद में वो आप समझ जाओ कोई झेला ही नहीं है। मुलायम सिंह की सरकार रही, क्या क्या नहीं हुआ यूपी में, है ना? तो ये लोग आज जो इतनी बैठ के बातें बोलते हैं, ये लाइव कभी जमीन पे उतरे हैं ना वहाँ पे? हमने तो वो दौर देखा है, मुलायम सरकार का वो दौर देखा है जब वहाँ पे हफ्ते में 3 ही दिन दुकानें खुलती थी और 3 दिन झगड़े में दुकानें बंद रहती थी। थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाओ, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। वो दौर हमने देखा। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद उत्तर प्रदेश की, वेस्टर्न यूपी की तो राजनीति बदल गई और सबकी दुकान बीजेपी ने बंद कर दी। बिल्कुल 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 बंद कर दी। वो तो मैं देखता रहा, वो कहता भी रहता हूँ। मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ 2013 में, उसका जो रिएक्शन उस इलाके में, सहारनपुर में, बिजनौर में, मेरठ में, बागपत में, शामली में जो हुआ है, वो उसका बहुत असर होगी। और 5,000 रुपये लीटर पेट्रोल भी हो जाए ना, हम पैदल चलेंगे पर वोट मोदी को ही जाएगा, हिंदुत्व की वाला, हिंदुत्व के लिए जाएगा। क्योंकि जो यूपी में जो हालत थी ना, जो पलायन था, मोदी योगी में किसको कैसा? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, दोनों दिखाई देंगे। नहीं, लोग कई लोग ये तो कह रहे हैं कि का क्या हाल था, आप खुद तो जानते हो, सब जानते हैं यूपी का क्या हाल था। ये तो दिल्ली के लोग हैं, यहाँ इनको फ्री मिल गया, आज ये मिल गया वो मिल गया, इन्होंने वहाँ की हालत देखी नहीं ना। ये बात सही है आपकी। और आप बताएं बताएं सर, आप भी उधर ही के हैं, देवबंद? नहीं सर, हम बनारस से हैं। एक बात है यार, कनॉट प्लेस में तब जगह जगह के लोग भी मिल जाते हैं। हाँ, एक अभी बनारस के मिले थे विधायक जी, और आप भी काशी वालों से आपको प्रसन्न होना चाहिए। अरे यार, ये तो बम बम भोले नगरी है काशी बाबा, और क्या, काशी जैसी मस्ती कहीं है? काशी अभी आप फिलहाल घूमने गए हैं कि नहीं? 2-4 महीने के अंदर आते जाते रहते हैं, हर 2 महीने। आदमी इस देश में क्या बेच सकता है, क्या बेच सकता है, बिजनेस क्या कर सकता है? नहीं यार, तो इतनी बड़ी जनसंख्या, कुछ भी बेचिए बढ़िया बिकता रहेगा। टापू बेच सकता है आदमी? टापू जो नदियों के बीच में जो रेता आता है, जो रेत हो जाता है, जो इधर गंगा जी इधर गंगा जी गर्मियों में सब रेत होता है, वहाँ आदमी कुछ क्या कर सकता है? बनारस में टेंट सिटी बसी है, वहाँ बसी है ना टेंट, और 1 साल की बुकिंग एडवांस, 5 स्टार होटल में नहीं है। तो मोदी है भाई, रेत भी बेच देगा और लोग लेंगे। इससे पहले इतने साल से गंगा जी थी, किसी ने सोचा नहीं? 25-30 हज़ार का सुनते हैं कमरा हुआ भाई साहब, एडवांस 1 साल की बुकिंग है। अब जाके देखिए, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इसमें तरबूज पहले से अलावा कुछ उगेगा ही नहीं। अब वहाँ पे लोग जाके हनीमून मना रहे हैं। अच्छा, वो टेंट सिटी है किसकी? टेंट सिटी टेंडर दिया हुआ, जिसको भी दिया हुआ उन्होंने, कोई भी चला। कंपनी कहाँ की?
इतना मेरे को नहीं है, बट एक सोच है जिसने वो किया हुआ है। भाई देखिए, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ले गया है, गवर्नमेंट तो हर चीज़ काम करेगी नहीं, वो किसी न किसी को देगी नहीं, रुके ना, वो किसी न किसी को देगी। आप करोगे, कोई पीएसयू सेक्टर करेगा, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई